गुड मॉर्निंग एट क्लास। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैंने बताया कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मीन समझाया, फिर मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर इसके बाद बताया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में इंडिया आता है, ठीक है। हॉटस्पॉट कितने हैं पूरी दुनिया में? 36 हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट इंडिया में आते हैं, ठीक है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, हमारे बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि अलग अलग जीव जंतु जो इस दुनिया में है, ठीक है, उनको खतरा क्यों है, तो इसके रीजंस भी बताए थे। इसके बाद हमने जाना फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है। तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स को बोलते हैं, फ्यूना किसको बोलते हैं? एक एरिया के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम फ्लोरा बोलते हैं, और एक एरिया के सभी जानवर उसको क्या बोलते हैं? फ्यूना बोलते हैं। फिर हमने बताया एंडेमिक स्पीसी, किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलने वाला कोई स्पेशल जीव जंतु या जानवर, तो वो क्या कहलाता है? एंडेमिक स्पीसीज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कहाँ मिलता है? इंडिया मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बरगद जैसा पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन बरगद नहीं मिलता, ठीक है। बट का वृक्ष होता है जिसकी पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, ठीक है। बरगद का जो पेड़ है वो एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया की। इसी तरीके से जेब्रा, जेब्रा जो है वो कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका में मिलता है, तो वहाँ की वो एंडेमिक स्पीसीज हो गई। इसी तरीके से कंगारू कहाँ है? केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो वो वहाँ की क्या होगी? एंडेमिक स्पीसीज हो गई, ठीक है। अल्पाका, सेवन क्लास में आपने पढ़ा था अल्पाका, ठीक है। अल्पाका जो था वो कहाँ मिलता है? अमेरिका में मिलता है, तो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज होगी। समझ में आ गया एंडेमिक स्पीसीज। फिर मैंने बताया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मीन क्या होता है? पेड़ पौधों को भी बचाना और जानवरों को भी बचाना, ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो बताया गया था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जंगलों के खत्म होने का क्या कारण रहा, ये भी बताया मैंने, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन क्लाइमेट, डेजर्टिफिकेशन, मैनमेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें मैंने समझा दी। आगे हम बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्या था, ये भी मैंने बताया। फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये भी मैंने समझाया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ मैंने बताया जंगली जीव जंतु, जंगली जीव जंतु को क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन मतलब बचाना, तो जंगली जानवरों को बचाना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो बुक निकाल लीजिए आप लोग, आप पे बुक होगी, मैं मान के चलूंगा ये बुक है और आपने निकाल ली होगी, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 79, पढ़ना शुरू करते हैं वहां से और समझते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, लाइक टाइगर्स, एलिफेंट इन द डेंस फॉरेस्ट, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर इन द नेचुरल हैबिटेट, वाटर बर्ड एंड ट्री एंड शर्ब्स इन द जंगल, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, मेरे को याद आ रहा है, ये भी मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है। सबसे पहले तो बताया था वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जंगली जानवरों का उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना, ठीक है। हैबिटेट बताया था मैंने, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जो जानवर होते हैं, जानवर जो नेचुरली जहाँ मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे मछली का मैंने एग्जांपल दिया था, मछली कहाँ मिलती? तालाब में, तो वो उसका, या फिर नदी में, या फिर समुद्र में, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन आप यदि उसको ले जाके किसी एक फिश टैंक में डाल दोगे तो उसका हैबिटेट नहीं होगा। तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनिज्म इन लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि सभी, जब जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। लाइक टाइगर एंड एलिफेंट इन डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट का रहते हैं डेंस फॉरेस्ट में, रहते हैं घने जंगलों में रहते हैं टाइगर एंड हाथी। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में मैंने डिफरेंस भी बताया था, क्रोकोडाइल क्या होता है, एलिगेटर क्या होता है। एलिगेटर ऐसा मगरमच्छ होता है, जिस मगरमच्छ टाइप का होता है, जिसका मुंह जो होता है काफी बड़ा होता है, वो केवल मछलियों को ही खा सकता है, ठीक है, लंबा सा होता है। ये कहाँ मिलता है? ये चंबल नदी में मिल जाएगा, यही राजस्थान में, ठीक है। क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल का मुंह काफी बड़ा होता है, वो इंसान वगैरह को भी खा सकता है क्रोकोडाइल, ठीक है। ये क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर का जो नेचुरल नेचुरल जो है नेचुरल हैबिटेट वो क्या है? वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, ठीक है, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। एंड ट्रीज एंड सर्व इन जंगल, और ट्री, पेड़ और पौधे कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं, तो वो उनका क्या हो गया? नेचुरल हैबिटेट। अब तुम पौधे को ले जाके अपने घर के आंगन में लगा लो या पेड़ को अपने घर के आंगन में लगा दो, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट क्या है आपका? जंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन। तो क्यों वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन हो रहा है, क्यों ये जंगली जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, इसके कारण जानते हैं, कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन।
वाइल्ड लाइफ इज अ वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, द वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लेशन आर, तो वाइल्ड लाइफ जो है जंगली जीव जंतु जानवर हैं जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही बायोलॉजिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं जिन वजह से ये जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं, वो कारण क्या है एक एक करके समझते हैं। हैबिटेट लॉस, सबसे पहला कारण है हैबिटेट लॉस। जंगली जानवरों की रहने वाली जगह ही खत्म हो रही है तो फिर रहेंगे कहाँ, तो हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट जैसे कि जंगली जानवर जंगल में रहते हैं तो जंगल खत्म कर दिया तो हैबिटेट लॉस हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे, जंगली जानवर खत्म होते चले जाएंगे। हाथी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे हाथी रहते थे लेकिन आजकल आपको दिखता है एक भी नहीं, क्योंकि हाथी को रहने के लिए क्या चाहिए, जंगल, और उत्तर प्रदेश में तो जंगल ही खत्म कर डाला। तो अब हाथी कहाँ रह रहे हैं, अब दो चार दो चार जू बनाए हुए हैं ना, दो चार चिड़ियाघर है वहीं पे हाथी मिलते हैं, अदरवाइज हाथी खत्म ही हो गए, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल बाय डिफॉरेस्टेशन डिजर्व डिस्टर्ब द लाइफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो यदि आपने क्या कर दिया, आपने यदि जंगल खत्म कर दिया, हैबिटेट का लॉस कर दिया, तो वो वहां पे रहने के लिए जो उनके लिए जगह नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो ठीक से वो रह नहीं पाएंगे, खा पी नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, उनके बच्चे नहीं होंगे, नतीजा क्या होगा, उनका धीरे धीरे करके खात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, दूसरा मैंने बताया था जीव जंतु जंगली जानवरों को मारना, कारण क्या है, किसी ना किसी चीज के लिए, जैसे किसी के सिंग के लिए, किसी की खाल के लिए, किसी की दांतों के लिए क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, बेहिसाब मारते चले जा रहे हैं, ठीक है। टाइगरों की इतनी संख्या, अंग्रेजों ने यहाँ पे आके टाइगर इतने मारे, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि आज के समय पे केवल 2000 टाइगर बचे, यदि वो भी मर जाते हैं तो टाइगर इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया वाला जो टाइगर है वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो इनडिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग एंड दी पाउचिंग ऑफ दी वाइल्ड एनिमल, पाउचिंग या फिर किलिंग एक ही बात होती है, जंगली जानवरों को मारना, ठीक है। पाउचिंग, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग एंड पाउचिंग ऑफ दी वाइल्ड लाइफ एनिमल फॉर फूड, स्किन, फर, हॉर्न, टस्क एटसेट्रा हैज कॉज्ड रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ दी मेनी वाइल्ड एनिमल, ठीक है। बहुत सारे जंगली जानवर जिनको उनके दांतों के लिए, खाल के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए मारा गया, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जंगली जानवर खत्म हो गए। पॉल्यूशन, और अगला कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या, प्रदूषण, प्रदूषण से भी क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहे हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड एलिमिनेशन ऑफ द सेंसिटिव वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है। तो हवा का प्रदूषण हो, पानी का प्रदूषण हो, या मिट्टी का प्रदूषण हो, इससे भी क्या होता है, जो सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं वो मरते चले जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, उनका खात्मा होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक जंगल है, अब उस जंगल में कोई इंसान नहीं गया, उसने वहां पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो जंगल एज इट इज है, ना उनने पेड़ काटे ना कुछ काटा, लेकिन क्या हुआ, पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन से क्या हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, तो मिट्टी इतनी खराब हो गई कि वहां पे अपने आप ही जंगल खत्म होता चला गया। तो इससे भी क्या होगा, जब जंगल खत्म हो गया, चाहे इंसान ने नहीं किया लेकिन एयर पॉल्यूशन ने कर दिया, और एयर पॉल्यूशन इंसान ने किया, तो इनडायरेक्टली इंसान ने जंगल खत्म कर दिया, तो भी क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है उनका खात्मा हो जाएगा। अब थ्रेटेंड स्पीसीज, अब यहाँ पे शब्द हो रहा है स्पीसी, थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। थ्रेटेंड मतलब खतरे में, थ्रेटेंड मतलब खतरे में, स्पीसीज मतलब, स्पीसीज मतलब कोई वैरायटी, कोई प्रजाति, कोई प्रजाति, कोई प्रजाति, थ्रेटेंड स्पीसीज मतलब कोई प्रजाति क्या है, खतरे में, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे हैं, देखिए नेचुरली जंगली जानवरों की संख्या मान लो 1000 होती है, कितनी होती है 1000, ठीक है। यदि इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होता, उसने कुछ नहीं किया होता, सब कुछ नॉर्मल होता, तो इस दुनिया में जो जंगली जानवर मान के चलो कोई शेर है, इस पूरी दुनिया में कितने होते हैं, 1000-1500 के आसपास रहते, कभी 1000 हो जाते, कभी 1500, कभी 1000, तो कम संख्या, कम ज़्यादा होती रहती, लेकिन 1000 के आसपास रहते, ठीक है। अब क्या हुआ, इंसानों ने उनको मार दिया, जंगल खत्म हो गया, किसी कारण से उनकी संख्या घटने लगी, तो क्या हो जाएंगे, 800, 700, 600, 500, 400 रह गई, ठीक है, 400-500 के आसपास रह गई, फिर और भी ज्यादा मारने की संख्या, उनको मारना शुरू किया तो 500, 400, 300, 200 तक आ गई। अब ये 200 पे क्या हो जाएगा, लगभग खात्मे पे पहुंच गए हैं, खात्मे पे पहुंच गए। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई है, यदि 1000 है तो नॉर्मल है, यदि 1000 से घट के 500 हो गई तो थ्रेटेंड है, मतलब अब ये कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है, और इससे भी घटिए 200 पे पहुंच गई तो बहुत ही ज्यादा डेंजर स्थिति में, कभी भी खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी कैटेगरीज बनाते हैं, तो वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखें, थ्रेटेंड स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हूज मेंबर्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन नंबर और आर नियर एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड द थ्रेटेंड स्पीसीज।
ये बोल रहा है दी स्पीसीज कोई भी प्रजाति ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या तो पेड़ पौधों की या जानवरों की, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा घट चुकी है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा घट चुकी है, ठीक है, और वो लगभग लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले, एक्सटिंक्ट मतलब पूरी दुनिया से खत्म होने वाले, एक्सटिंक्ट जैसे जैसे इस समय दुनिया में से डायनासोर नहीं हो गए, खत्म हो गए बिल्कुल, ठीक है, पूरी दुनिया से डायनासोर खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्शन हो चुका है उनका, क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन, पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं, अब डायनासोर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली यदि किसी जानवर की प्रजाति इतनी खत्म हो, मतलब इतनी ज्यादा संख्या घट चुकी है कि वो कभी भी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा उसका, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। नेचुरली शेयर कितना होना चाहिए पूरी दुनिया में, 1000, आज की डेट में कितने घट के रह गए, 100, ठीक है, ये 100 भी मर गए तो पूरी दुनिया से शेर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 1000 तुम्हें कम लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते, पूरी दुनिया में शेर होते, पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होता तो शेर होते 10 लाख, आज की डेट में कितने रह गए, केवल 100 रह गए, कितने रह गए, 100, यदि ये 100 भी मर जाएंगे तो पूरी दुनिया से शेर खत्म हो जाएंगे, फिर आपके शेर केवल फोटो में रह जाएंगे और फिर हकीकत में नहीं रहेंगे, यानी कि ये लगभग खत्म होने पे, एक्सटिंक्शन पे है, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज बोलेंगे, आ गई बात समझ में, चलिए पढ़ते हैं समझते हैं। दी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, किसी प्लांट या एनिमल की प्रजाति हूज मेंबर आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा घट चुकी है इन नंबर, संख्या में, और आर नियर एक्सटिंक्शन, और लगभग खत्म होने पे हैं, आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतुओं को क्या बोलेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज बोलेंगे। दी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, फॉर्मली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हैज क्लासिफाइड थ्रेटेंड स्पीसीज इन द फॉलोइंग कैटेगरी, तो एक संस्था है, एक संस्था है, एक पूरी दुनिया की, एक देश की नहीं, एक शहर की नहीं, पूरी दुनिया की मिला के एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, IUCN, IUCN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, ये एक संस्था है पूरी दुनिया के लेवल पे, इसका काम क्या है, उन सभी लोगों की, उन सभी जीव जंतुओं और उन सबकी लिस्ट बनाती है जो क्या है, जो इस दुनिया में खत्म होने की कगार पे, ठीक है, ताकि क्या हो, यदि हमें पता चल जाए, अब हमारे घर में आटा है, दाल है, सब्जी है, चीनी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, नमक है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं खाने पीने की, ठीक है, अब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो क्या होता है, खाना बना रही है या डेली काम कर रही है तो उनको पता भी नहीं चलता कि दाल खत्म होने पे है या मेरी खत्म होने पे, लास्ट में जब खत्म हो जाती है तब कहती है दाल बनाने के लिए बैठे, दाल ही नहीं है, अरे बेटा दाल ले आओ, दाल खत्म हो गई, जो कि घर में नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबका पता नहीं चलता, तो आपके दाल वगैरह लाने का काम किसका है, मान लीजिए चलो आपके पापा का है, ठीक है, और आपकी मम्मी का काम क्या है, खाना बनाना, तो वो क्या करेंगी, जैसी कोई चीज खत्म होने को होगी तो वो आपके पापा को बता देंगे ये चीज खत्म होने को, ये ले आओ, ठीक है, तो फिर से आ जाएगी, लेकिन यदि वो खत्म होने को है ये बताए ना, तो एक समय क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो दाल का तो क्या है, दाल या गेहूं का क्या है, वो तो बाजार से खरीद के लाया जा सकता है, लेकिन इस दुनिया से कोई जानवर खत्म हो गया तो लौट के आ सकता है, नहीं आ सकता, अब डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गया, अब लौट के आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो IUCN करता क्या है, ये उन जानवरों की लिस्ट बनाता है, पेड़ पौधों की लिस्ट बनाता है जो खत्म होने पे, ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये जानवर खत्म होने को, तो उनको बचाने का काम शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, लोगों का ध्यान जाए, लोगों का मतलब भारत देश में यदि मान के चलो टाइगर खत्म होने वाला है, तो इसने बताया कि तुम्हारे देश का टाइगर खत्म होने वाला है, ये खत्म हो गया तो पूरी दुनिया से इंडियन टाइगर खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब बोलो 2-3 जगह पे टाइगर मिलते हैं, इंडियन टाइगर खत्म हो गया, फिर दूसरी जगह का टाइगर खत्म हो गया, तीसरी जगह का टाइगर खत्म हो गया, तो पूरी दुनिया से टाइगर खत्म, ठीक है, तो जैसे ही ये बताएगा तो इंडिया के लोग कहेंगे अरे हमारा टाइगर खत्म होने वाला, तो उनके लिए बचाने के लिए काम शुरू होंगे, उनको बचाने के लिए क्या है, बड़े बड़े जंगल रिजर्व कर दिए जाएंगे, उन जंगलों में कोई नहीं जा सकता, केवल टाइगर रहेगा, जिससे उनकी संख्या बढ़ने लगे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो IUCN समझ में आया, एक संस्था है,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको दी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। वर्ल्ड इंटरनेशनल का मतलब वर्ल्ड हो गया, कंजर्वेशन मतलब बचाना, यूनियन मतलब एक संस्था है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, सॉरी ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं, हैज क्लासिफाइड थ्रेटन्ड स्पीशीज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इस संस्था ने क्या किया है, सभी थ्रेटन्ड स्पीशीज को कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। थ्रेटन्ड स्पीशीज की इनने कैटेगरी बनाई है, पहली बनाई है इनडेंजर्ड स्पीसीज, इनडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, इनडेंजर्ड स्पीसीज फर्स्ट, सेकंड वल्नरेबल स्पीसीज, थर्ड रेयरर स्पीसीज, ठीक है। चलिए इन सबको समझते हैं क्या है ये। पहला इंडेंजर्ड स्पीसीज, दी स्पीसीज दैट आर नॉट लाइकली टू बी सर्वाइव एंड विल सून बिकम एक्सटिंक्ट इफ द सेम कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू आर कॉल्ड द इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडियन डायनासोर्स, एशियाटिक लाइन टेल्ड मैकाओ, क्रोकोडाइल एंड ब्लू व्हेल आर सम एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो समझ में आया इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, दी स्पीसीज दैट आर नॉट लाइकली टू बी सर्वाइव एंड विल सून बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। ये ऐसी स्पीसीज जो अब बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं रह गई है, इतनी संख्या कम हो चुकी है कि उनका अब मिलना भी मुश्किल है, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है, और वो कभी भी इस दुनिया से खत्म हो सकती है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इनडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंडियन राइनोसोर्स मतलब एक सीख वाला जो गैंडा है ना, वो हमारे पूरे देश में केवल एक ही जगह मिलता है, वो कहाँ मिलता है, असम के कंचनजंगा पार्क में, वो भी शायद संख्या में एक रह गया, यानी पूरे इंडिया में केवल एक राइनोसोर्स रह गया है, यदि वो भी मर गया तो इंडियन राइनोसोर्स पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो यानी कि वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, एक या दो जानवर रह गए, ये दो एक या दो जानवर मरे पूरी दुनिया से इंडियन राइनोसोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी स्पीसीज आ गई, इंडेंजर्ड स्पीसीज आ गई, ठीक है, लगभग खत्म ही हो चुके हैं, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा एक सींग वाला गेंडा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क असम में, वहां पे शायद आप वहां पे एक या दो बच्चे हैं वो ही देखने के लिए, ठीक है, आप यदि वो मर गए तो केवल फोटो में रह जाएगा, इंडियन राइनोसोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जंगलों में खत्म हो चुके हैं, किसी भी जू में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, बस एक या दो जगह हैं जहाँ पे केवल उनको बचाया हुआ है, मिलिट्री लगी हुई है उनको बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके सींग की वजह से इन्हें क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसके सींग की कीमत करोड़ों में होती है, लाखों में करोड़ों में होती है, तो एक जानवर को मार के यदि लाखों में पैसा मिल जाएगा तो लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगा। इसके और एग्जांपल क्या है, एशियाटिक लॉइन, भारत का जो भारत में रहने वाला शेर है ना, वो भी खत्म होने वाला है इस दुनिया से, ठीक है। लाइन टेल्ड मकाओ, ठीक है, एक बंदर टाइप का एक होता है जानवर जिसे मकाओ बोलते हैं, उसकी जो पूंछ होती है वो शेर जैसी होती है, तो लाइन टेल्ड मकाओ बोलते हैं, वो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइन टेल्ड मकाओ, क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ, वो भी इंडिया से वो भी खत्म हो रहे हैं, लगभग खत्म होने की कगार पे, कहीं पे मगरमच्छ देखने को नहीं मिलते, तो ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल जो समुद्र में मिलती है वो भी खत्म हो रही है, ठीक है, लगभग कुछ ही ब्लू व्हेल रह गई है, देखने को ही नहीं मिल रही समुद्र के अंदर, यानी कि लगभग खत्म होने की कगार पे है। तो ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, इंडेंजर्ड स्पीसीज, दुनिया में इक्का दुक्का बची है, ठीक है, ये मर गई तो पूरी दुनिया से खत्म, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज एक बार खत्म हो गई तो बस फोटो रह जा रहा है इनका और कुछ नहीं रह जा रहा। फिर वल्नरेबल स्पीसीज, ये क्या होती है, These are species which are likely to be moved to endangered category in near future if causative factors continue to operate. Chinkara, deer, black buck and golden langur are example of the vulnerable species. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम भी बने, पेजेस पे फोटो भी बने हैं, देख सकते हो फिगर 7.5 पे इनके अलग अलग फोटोज हैं। तो देखो ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या अभी थोड़ी बहुत है, जैसे 10-12 है,
यदि दस उनको लगातार यदि बचाया नहीं गया तो 10-12 से भी घटके कितनी रह जाएंगी, एक दो रह जाएंगे और एक समय पे खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये अभी खात्मे की कगार पे है, लेकिन ये और ज्यादा खात्मे पे है, ये थोड़ी सी संख्या में ज्यादा है। जैसे कि वल्नेवल में कौन आ जाएगा, वल्नेवल में आ जाएगा तुम्हारा चिंकारा डियर। चिंकारा डियर जो है इनकी संख्या लगभग लगभग खत्म होने पे है। यदि अभी भी इनको रोका नहीं गया तो ये इंडेंजर में आएगी, इंडेंजर के बाद एक्सटिंक्शन में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? एक्सटिंक्शन, दुनिया से ही खत्म हो गई। ठीक है, तो वल्नेवल मतलब इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, रोको इसको, बचाओ। और यदि फिर भी नहीं बचाया तो इंडेंजर्ड, अभी एक या दो रह गए, अब भी नहीं बचाया तो पूरी दुनिया से ही खत्म, एक्सटिंक्शन हो गया। तो दीज आर स्पीसीज विच आर लाइकली टू मूव इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। तो ये बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती हैं ये वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, और यदि इनके कॉजेस को रोका नहीं गया, जैसे कि इनको बेवजह मारा जा रहा है सींग के लिए, यदि इस कॉज को रोका नहीं गया, अभी भी सींग के वजह से मारते गए ब्लैक बक को, ब्लैक बक एक हिरण है, उसको यदि मारते गए तो किस में पहुंच जाएगा? इंडेंजर। फिर भी नहीं रोका तो कहाँ चले गए? खत्म हो जाएगा दुनिया से। ठीक है, तो चिंकारा इसका एक एग्जांपल हो गया, ब्लैक बक इसका एक एग्जांपल हो गया। ब्लैक बक से तुम्हें याद आया होगा सलमान खान पे ब्लैक बक को मारने का केस चल रहा है आज तक। ठीक है, उसने कार से एक्सीडेंट करके एक हिरन को मार दिया था ब्लैक बक, तो उस पर अभी तक केस चल रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से एक दुनिया को संदेश है, इंडिया को संदेश है कि कोई भी यदि मारेगा तो जब सलमान खान जैसे हीरो हीरोइन भी बच सकते हैं तो फिर तुम क्या हो। ठीक है, तो ये एक संदेश है, आज भी इस पर केस चल रहा है। तो यदि आपने ये ऐसा कोई जानवर मार दिया तो आपको जेल हो जाएगी पक्का। ठीक, तो ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर आर एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज। तो गोल्डन लंगूर हो गया, तो ये भी देखने को नहीं मिलता, तो ये क्या है? खत्म हो सकते हैं कभी भी, ये वल्नरेबल है, यानी कि बहुत तेजी से घट रहे हैं, किसी ना किसी वजह से हो सकता है, किसी पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, कि इनकी हंटिंग हो रही है इस वजह से, या हो सकता है जंगल खत्म हो रही है इस वजह से। तो आप जंगल को रोक दो तो ये वल्नरेबल क्या होगा? बच जाएगा। यदि आपने जंगल को कटने से नहीं रोका तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। यदि कोई इसको मार रहा है बेवजह, जिस वजह से खत्म हो रही है, तो उसको रोकिए, उसको रोकिए, नहीं रोका गया तो ये इंडेंजर में पहुंच जाएंगे, और तब भी नहीं रोका तो फिर एक्सटिंक्शन, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वल्नरेबल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, रेरर स्पीसीज। दी रेरर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर, आर लोकलाइज्ड ओनली इन द सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया एंड मे एंटर इनटू वल्नरेबल कैटेगरी। गोल्डन कैट, वाइल्ड बफेलो, एसेटिक वाइल्ड आर सम एग्जांपल ऑफ द रेरर स्पीसीज। रेरर स्पीसीज क्या होती है? रेरर स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। रेरर स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। इसका एग्जांपल ले लो कंगारू। कंगारू हर जगह नहीं मिलता, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता, केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो क्या होगी? रेरर स्पीसीज होगी। इसी तरीके से इंडिया का शेर जो है वो केवल इंडिया में मिलता और कहीं नहीं मिलता। इंडियन हाथी है वो केवल इंडिया में मिलता और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो ये रेरर स्पीसीज है, इनकी संख्या कम है, ये केवल एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, और यदि उस पर्टिकुलर रीजन से भी खत्म होना शुरू हो गया तो ये किसमें पहुंच जाएंगी? वल्नरेबल में। और यदि वहां से भी नहीं रोका गया तो वल्नरेबल कहाँ चली जाएंगी? इंडेंजर्ड। और फिर भी नहीं रोका गया तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा, दुनिया से खत्म ही हो जाएंगी, फिर आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी। आपके बच्चे या कभी भी कितनी भी पीढ़ी के बाद चले जाओ, कोई भी देख नहीं पाएगा। तो रेरर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर। रेरर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, आर लोकलाइज ओनली इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, और वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलते हैं, दुनिया के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं और हर जगह नहीं मिलते। एंड में एंटर इनटू वल्नरेबल कैटेगरी, और वो किस में जा सकते हैं? वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं। एंड गोल्डन कैट सुनहरे कलर की बिल्ली, गोल्डन कैट, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस। ठीक है, जंगली भैंस लगभग लगभग इंडिया में अब देखने को नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ स्टेट है हमारे देश का, उसकी स्टेट एनिमल जो है वो कौन है? वाइल्ड बफेलो ही है, जंगली भैंस। ठीक है, जंगली भैंस तो वो बहुत तेजी से हमारे देश में खत्म हो रही है, तो ये ज्यादातर कहाँ मिलती है? ये आप मिलती है छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे इसको उसके स्टेट का एनिमल बना दिया गया ताकि इनको बचाया जा सके। ठीक है, तो वाइल्ड बफेलो एंड एशियाटिक वाइल्ड आस। ठीक है, और जंगली गधा भी जो है वो क्या है? रेरर स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, कम संख्या में मिलते हैं, और यदि इनको नहीं रोका गया, देखा नहीं गया, तो ये वल्नरेबल में पहुंच जाएंगी। वल्नरेबल पे भी नहीं रोका गया तो इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्शन, खत्म हो जाएगा, फिर ये कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक क्या है? हटा देते हैं इसको, रेड डाटा बुक। ओके,
So the red data book contains a record of all those species of plant and animal which are under the threat of extinction or are rarer and the vulnerable for extinction. So red data book क्या एक किताब बनाई गई है? Red data book ये क्या है? एक किताब बनाई गई है, इसमें सभी जीव जंतुओं और जंगली जानवरों का डाटा लिखा गया है, सभी जीव जंतुओं और जानवरों का डाटा लिखा गया है, ठीक है? ऐसे जानवर जो या तो खत्म होने पे हैं, या रेरर हैं, या वल्नरेबल हैं, या इंडेंजर्ड, ठीक है? या तो रेरर हैं, इंडेंजर्ड हैं, या वल्नरेबल हैं, तीनों ही कैटेगरी के जानवरों का एक डाटा लिखा गया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर। जानवर अच्छे से समझना आता है, इसलिए जानवरों का नाम बताया। यदि मैं किसी पेड़ पौधे का नाम दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जानवर का नाम बताया गया। इसमें दोनों ही होते हैं, पेड़ पौधे भी और जानवर। तो रेड डाटा वो कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और आर रेयरर एंड द वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है? तो रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है सभी पेड़ पौधों का और जानवरों का जो या तो वो क्या है, वो अंडर थ्रेट है। किसमें? अंडर थ्रेट मतलब खतरे में, खतरे में, वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, रेयर या वल्नरेबल या इंडेंजर्ड जो भी है, उन सबकी कैटेगरी वाइज लिखे होते हैं, ये जानवर खतरे में, इनको बचाइए। दिस बुक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसी। ये बुक बताती है कि ये जानवर कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब किस किस एरिया में मिलता है। जैसे कि इंडिया में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ही कोई स्पेशल जानवर मिलेगा, ठीक है, और वो यहाँ पे लगातार खत्म हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये पूरी डिटेल लिखी होगी। थ्रेटन्ड स्पीसीज एंड गाइड देयर कंजर्वेशन प्रोग्राम, और क्या करते हैं ये बताते हैं, ये बुक बताती है कि किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम चलाने चाहिए, किस तरीके के हमें काम करने चाहिए जिससे हम इन जानवरों को खत्म होने से या इन पेड़ पौधों को खत्म होने से बचा सकते हैं। द रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्विट्जरलैंड। तो ये जो IUCN बताया था ना मैंने, IUCN, इसको हम क्या बोलते हैं, दी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, दी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या IUCN, ये जो संस्था है ना, यही रेड डाटा बुक बनाती है और इसको मेंटेन करती है, कौन कौन से जानवर खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, ठीक है, कौन से खत्म होने की कगार पे, कौन से खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है, ये कौन से बहुत ही रेयरर हैं, कुछ कुछ ही इलाकों पे मिलते हैं, उन सब की ये क्या करती है, डाटा को मेंटेन करती है। ओके, समझ में आ गया रेड डाटा बुक क्या होती है। चलिए, स्ट्रेटजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्ट्रेटजी क्या तरीके होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्ट्रेटजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जंगली जानवरों को बचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए, इनको पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ रेगुलेटिंग हंटिंग, कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सुझाव बताए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्या है, क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, हमें पहली बात तो इनके लिए एक ऐसे एरिया बनाने की जो प्रोटेक्टेड हो, वहां पे ना तो इंसान जा सकता है, ना वहां पे घर बना सकता है, ना वहाँ पे पॉल्यूशन कर सकता है, ना वो फैक्ट्री खोल सकता है, वहाँ पे केवल और केवल क्या कर सकता है, वो घूमने के पर्पज से जा सकता है, ठीक है, वो भी सरकार जब टिकट दे तब, ठीक है, केवल घूमने के लिए जा सकता है, जंगली जानवरों को देख के ऑफिस लौटा है, ना तो वहाँ पे वो किस शिकार कर सकता है, ना वो वहाँ पे रुक सकता है, ना वो वहाँ पे रह सकता है, ना वो किसी तरीके की कोई एक्टिविटी कर सकता है, ना वो पॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। जाने की भी इजाजत इसीलिए होती है क्योंकि इतने बड़े एरिया को यदि आप रोक बना मतलब जंगली जानवरों के लिए बचा के रखोगे तो उसको बचाए रखने के लिए, उन जंगली जानवरों को बचाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, ठीक है, तो वो खर्चा निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ टिकट देके लोगों को केवल घूमने के लिए जाने देते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क घूमने गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने गए, ये आपने देखा होगा, ये जैसे कीटम है, कीटम क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप जाइए, आपसे कुछ टिकट लेते हैं, 100-200 जो भी लेते हैं, 50-20 जो भी हो, वहाँ पे जाइए आप, घूम के आइए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किसको बचाया गया है, इसके अंदर बचाया गया है भालू को, काला भालू जो है ना, वो यहाँ पे रहते हैं। तो आप जाइए, थोड़ा बहुत पैसा दोगे और टिकट के लिए, तो टिकट से जो पैसे की कमाई होगी उसके लिए क्या करते हैं, वो भालू के लिए खाना खरीदते हैं और भालू को खाना खिलाते हैं। यदि कोई टिकट नहीं खरीद रहा या नहीं देखी जा रही है, तो पैसा नहीं हो रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, तो फिर वो पैसा कहाँ से आता है, सरकार देती है, ताकि हमारे देश में से जो भालू हैं खत्म हो रहे हैं उनको रोका जा सके। समझ में आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ रेगुलेटिंग हंटिंग, कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, जहाँ तक है कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और ठीक है, तो हमारा टाइम हो गया इस क्लास का, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।